नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार और वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों का। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इशारों में विपक्ष पर कसा तंज, कहा कुछ लोग कुछ नहीं कर रहे हैं इसलिए सब सुचारू ढंग से चल रहा है। भागवत ने आगे कहा कि लोगों में भारत को गौरव हासिल करते देखने की इच्छा 40 साल पहले की तुलना में आज अधिक प्रबल है, लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं जो भारत को बढ़ते नहीं देखना चाहते। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर एक बार फिर खतरे के निशान को पार कर दोपहर 1 बजे तक 206.17 मीटर पर पहुंच गया है। अधिकारियों ने बताया कि हथनीकुंड बैराज से लगातार बड़ी मात्रा में पानी छोड़े जाने के परिणाम स्वरूप ऐसा हुआ है। वही अनुमान लगाया गया कि आज देर शाम तक यमुना नदी का जलस्तर 206.7 मीटर तक पहुँच जाएगा। मणिपुर की दो महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के कुछ दिनों बाद दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल आज राज्य के दौरे पर पहुंची। हालांकि राज्य सरकार ने उनको आने की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन वह मणिपुर के दौरे पर पहुंच गई है। उन्होंने राज्य सरकार से कहा है कि वह यहां राजनीति करने नहीं आई है, बल्कि लोगों की मदद के लिए आई है। मध्य प्रदेश के खजुराहो में 25 जुलाई को होगा 5वें हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन। इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। दिल्ली के सुभाष पैलेस थाने में पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। ये युवक आर्म्स एक्ट से जुड़े मामले में एक दिन की पुलिस हिरासत में था। रात में उसका मेडिकल टेस्ट हुआ था और सुबह उसकी जान चली गई। मरने वाले का नाम शहादत शेख है, जो जहांगीरपुर इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि लॉकअप में युवक की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जब अस्पताल ले जाया गया तो उसकी मृत्यु हो गई। अब सबका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। बिहार के नालंदा जिले के कुलगांव में 4 साल का शुभम कई घंटों से 150 मीटर गहरे बोरवेल में गिर गया है। उसके साथ खेल रहे बच्चों ने परिजनों को घटना की जानकारी दी, तब जाकर परिजनों को इसकी जानकारी मिली। फिलहाल एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी लाइक कर दें, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया भी दें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। दोस्तों, आपके ऐसा करने से हमारा और हमारी टीम का हौसला बुलंद होता है और हम रोजाना आप लोगों के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरें इसी समय पर लाते रहते हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी द्वारा सिंधिया परिवार को गद्दार कहे जाने पर पलटवार किया है। सिंधिया ने कहा कि ऐसा था तो उन्हें और उनके पिता माधवराज सिंधिया को कांग्रेस ने पार्टी में शामिल क्यों किया। उन्होंने कहा कि जिन्होंने इतिहास का एक पन्ना भी नहीं पढ़ा है, उन्हें जो बोलना है वह बोले। सिंधिया ने कहा कि उनके विचार और विचारधारा मध्य प्रदेश और राष्ट्र के लिए समर्पित है। महाराष्ट्र के नासिक में देर रात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने एक टोल प्लाजा पर जमकर तोड़फोड़ की। वजह थी मन से संस्थापक राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को टोल प्लाजा पर रोका जाना, जिसको लेकर कार्यकर्ता इतने नाराज हो गए कि उन्होंने टोल प्लाजा को तहस नहस कर दिया और वहां मौजूद संचालकों से माफी भी मंगवाई। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में निर्माणाधीन सिनेमा घर की गिरी दीवार, 2 की गई जान, 6 लोग घायल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना पर जताया शोक। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने पटना पहुंचते ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। चिराग ने कहा कि लोकसभा चुनाव में महागठबंधन का खाता भी नहीं खुलेगा और बिहार की 40 की 40 सीटें एनडीए के खाते में जाएगी। पंजाब में बाढ़ को काबू करने के लिए भाखड़ा बांध की स्थिति देखने पहुंचे सीएम भगवंत मान, अधिकारियों से लिया फीडबैक, लोगों से किया अफवाह न फैलाने का आग्रह। करनाल पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विश्राम गृह में सुनी लोगों की समस्याएं, मौके पर ही किया समाधान। उत्तराखंड के हल्द्वानी के शांति विहार कॉलोनी गोड़ा पड़ाव में कारोबारी अंकित चौहान को कोबरा से डसवाने वाली माही उर्फ डॉली को पुलिस ने उसके प्रेमी दीप कंडपाल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड सरकार ग्रामीण इलाकों में 60 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों, विधवा महिलाओं और विद्यार्थियों से बस का भाड़ा नहीं वसूलेगी। इस योजना पर काम किया जा रहा है, जिसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं, जहां आज शाह ने भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। मध्य प्रदेश के छतरपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की जान चली गई, जबकि 4 लोग घायल हुए हैं। बारिश से बचने के लिए ये लोग पेड़ों के नीचे जाकर छिपे थे।
हिमाचल प्रदेश में सेफ ढुलाई के लिए आने वाली हर गाड़ी में जीपीएस सिस्टम लगाना हुआ अनिवार्य। हेरा फेरी रोकने के लिए वाहनों की हर मूवमेंट पर पुलिस रखेगी नजर। कश्मीरी हिंदुओं की घाटी वापसी पर शिवसेना ने दिया जोर, कहा केंद्र सरकार हिंदुओं को वापस लाने के लिए उठाए कड़े कदम। बंगाल में भी हुई मणिपुर जैसी घटना, दो महिलाओं को पीटा, जानकारी के बाद पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। बीजेपी ने ममता बनर्जी के साथ राहुल गांधी और तमाम विपक्ष पर उठाए सवाल। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कारोबारी ऑनलाइन जुए के खेल में 58 करोड़ रुपए हार गया। जुए में इतने बड़े नुकसान के बाद कारोबारी ने ऑनलाइन जुए के काले कारोबार की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छानबीन के बाद कारोबारी की शिकायत पर एक सट्टेबाज के घर दबिश दी और 4 किलोग्राम सोने के बिस्किट के साथ 14 करोड़ रुपए कैश बरामद किया। गुजरात में भारी बारिश ने मचाई तबाही, तिनके की तरह बहती दिखी सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां। राजस्थान बना देश का पहला ऐसा राज्य जहां मिलेगी 125 दिन रोजगार की गारंटी। सीएम गहलोत बोले, राजस्थान में हो रही है नए युग की शुरुआत। आलू सब्जियों का राजा तो है ही, ये हमारे चेहरे के लिए भी काफी फायदेमंद है। आलू के अंदर कुछ ऐसे न्यूट्रिशन मौजूद हैं जो चेहरे को नेचुरल ग्लो, झारियों को दूर करने, डार्क सर्कल को मिटाने के साथ कील मुहासे की वजह से होने वाले दाग धब्बे को भी दूर करता है। इसके लिए सबसे पहले आलू को छीलकर फिर मिक्सी में पीसकर उसका रस निकाल ले। उसके बाद आलू के रस में 1/2 चम्मच नींबू का रस और 1/2 चम्मच शहद मिलाए, तीनों को आपस में अच्छे तरह मिक्स कर ले। उसके बाद इसे आप अपने पूरे चेहरे और गर्दन पर लगाए, 20 से 30 मिनट तक लगाकर इसे रखें। ऐसा करने से आपका चेहरा चमकदार, दमकदार और शाइनिंग करने लगेगा। दरअसल आलू में पोटेशियम की अच्छी खासी मात्रा होती है जो पिगमेंटेशन को दूर करने का काम करता है। वैसे आलू के रस में विटामिन B6 भी पाया जाता है और ये विटामिन बढ़ती उम्र को कंट्रोल करने में काफी कारगर है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्नातक उत्तीर्ण युवाओं के लिए जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट एवं जूनियर एग्जीक्यूटिव के 342 पदों पर भर्ती निकाली है। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 4 अगस्त से शुरू होकर 4 सितंबर 2023 तक चलेगी। योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट www.aai.aero पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप में से अधिकतर लोगों ने वीडियो को लाइक किया है, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है और वीडियो को शेयर भी किया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी बाकी है, इसलिए उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वे भी वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे और वीडियो को शेयर जरूर कर दे। दोस्तों बने रहिए मोबाइल न्यूज 24 पर, देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें।